नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एजेक्स आर्गो 4000, एजेक्स आर्गो 2500 के बारे में जानेंगे, जो गियरवेल सर्विस का है। तो इसके बारे में जो न्यू मॉडल आया अभी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जो व्हाट्सएप ग्रुप के ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो फ़िलहाल ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो चेकआउट करके ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ये ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुछ ही दिन के लिए मान्य होगा, उसके बाद जो है हम इसे हटा देंगे। ओनली 257 मेंबर चाहिए इसे ग्रुप के लिए। तो हर स्टेट से जो है आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप का माध्यम यही रहेगा कि कहीं पे अगर आपको मशीन की आवश्यकता हो तो आप नियर आपका जो हर स्टेट में जिसका आपको नज़दीकी होगा वहाँ आपको संपर्क करके को मिल सकता है कमेंट के ज़रिए। तो इस ग्रुप का भी रूल रेगुलेशन दिया गया, जो आप किसी को भी कॉल नहीं कर सकते भी विदाउट उसका परमिशन से। तो इस तरह का उनको ध्यान में रखा गया, और आगे भी देखेंगे कि इस तरह का अगर कुछ डेवलप करना हो तो उसमें इम्प्रूव किया जाएगा, और अन्यथा इस ग्रुप को ऐसे ही रखेंगे। तो फिलहाल ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ग्रुप का क्या जो है चेकआउट करके देख सकते हैं। 275 मेंबर चाहिए ओनली, उसके बाद जो है हम इसे फुल हो जाता है, उसका लिमिट इतना ही दिया गया है। तो आप कहीं से भी हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं इस ग्रुप में, और ग्रुप होने का मतलब यही है जो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं अपना जो स्टेट के नज़दीक में आपका मशीन खाली है। तो ऑपरेटर भाई काफ़ी जो लॉकडाउन में परेशान हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं अभी गियरवेल का कहाँ कितना लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट एक्सल में लगेगा हम लोग के यहाँ पर जो है 7.5 लीटर लगेगा, जो दोनों मशीन में आपका दिया गया है। तो दोनों मशीन में आपका फ्रंट साइज में 7.5 लीटर लगेगा टोटल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो देख सकते हैं अब देख सकते हैं रियर एक्सल में भी आपका 7.5 लीटर लगेगा, जबकि दोनों मशीन में आपका लगेगा आर्गो 4000 में, आर्गो 4500 में जो न्यू मॉडल आपका निकला 19-20 में, तो दोनों में आपका सेम यहाँ पे दोनों में लगेगा उतना ही। तो दोनों में आप उतना करके फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आगे का देख लेते हैं। जो टू स्पीड गियर बॉक्स में आपका 2 लीटर लगेगा, टू स्पीड गियर बॉक्स जो कि दोनों मशीन में आप उतना करके 2 लीटर करके डाल सकते हैं। तो इसका भी इजी प्रोसेस दिया गया है, दोनों मशीन में सेम करके डाल सकते हैं। और नेक्स्ट आ जा रहे हैं, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या व्हील हुक में आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 लीटर दिया गया, 6 लीटर मीन्स आपका जो है 1.5 × 4 मतलब 1.5 लीटर करके लगेगा पर व्हील में आपका, तो 6 लीटर टोटल आपका लग गया। तो दोनों मशीन में सेम लगेगा उतना ही, उतना करके ही दोनों मशीन पे हम दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्रम रिडक्शन गियर बॉक्स का लग दोनों मशीन में लगेगा 3 लीटर लगभग जैसे आपका लेबल कंडीशन रहेगा उसी के हिसाब से आपका ज़्यादा कम भी लग सकता है। अगर आपका लेबल सही है तो आपको 3 ही लीटर लगेगा, अगर अप डाउन है तो कुछ कम भी लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।